के सत्तू हो गए, और जैसे चने के सत्तू हो गए तो हर किसी ने खाए होते हैं, पर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जौ के सत्तू। जौ को साफ करना, इसकी छंटाई करना, उसके बाद इसके सत्तू को तैयार करना थोड़ा सा कठिन काम है, उतना आसान नहीं है जिस तरह से चने के सत्तू और मक्की के सत्तू तैयार कर लिए जाते हैं। तो परंपरागत तरीके से इसको किस तरह से भूनते हैं, तो इसको बनाने का जो तरीका है परंपरागत, वो सबसे पहले तो जौ को साफ कर लिया जाता है, क्योंकि जौ में देखिए एक कांटा सा होता है, उसको अच्छे से निकाल करके, इसको बढ़िया से हर चीज़ इसकी निकाल करके, सिर्फ जब दाना रह जाता है तो उसको अच्छे से भून लिया जाता है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। इसको जो परंपरागत तरीके से जब भुना जाता है तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। पौष्टिक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर ये भरपूर मात्रा में होता है, और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में तो ये बहुत ही सहायक है। तो इसके जो है लड्डू बनाकर खाए जाते हैं, सत्तू बनाकर पिया जाता है, और साथ ही साथ इसको पंजीरी के रूप में भी जो है खाया जाता है। तो जैसे अपर हिमाचल है तो वहाँ पर फसलें बहुत कम होती है, अनाज कम होता है, तो वहाँ पर जौ जो है अच्छे से सर्वाइव करता है, इसीलिए यहाँ पर सत्तू जो है वो बनाए जाते हैं जौ से। तो गेहूं के आटे की तुलना में जौ बहुत ही फायदेमंद होता है, और तासीर में ये बिल्कुल ठंडा होता है।